भारत को गीदड़ भभकियां देने वाला ड्रैगन अब नरम पड़ता नजर आ रहा है। डोकलाम सीमा विवाद को लेकर सख्त रुख दिखाने वाला चीन अब झुकता हुआ दिख रहा है। बीते कुछ दिनों से सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा था। दोनों देशों की तरफ से तीखी बयानबाजी और धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन सख्त रुख से नरम पड़ता चीन अब भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, या फिर यूं कहें कि रिश्तों में आई खटास को कम करने के लिए अब पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहता है। G20 समिट से पहले दोनों देशों की तरफ से पीएम मोदी और शी जिनपिंग की किसी भी मुलाकात से साफ इनकार कर दिया गया था, लेकिन जर्मनी के हैमबर्ग में G20 समिट में शरीक होने आए जिनपिंग शांतिपूर्ण तरीके से आपसी मतभेदों को सुलझाने पर जोर दे रहे हैं। जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के आपसी मतभेदों और सीमा विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। आज चीन शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सीमा विवाद को हल करने की बात कर रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले यही चीन भारत का 1962 से भी ज्यादा बुरा हाल करने की धमकी दे रहा था। फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सीमा विवाद पर ड्रैगन के बदलते रंग पर मोदी सरकार का क्या रुख रहता है।